दोस्तों, आप सभी का इंडियन होम रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको काइट फ्लाइंग से रिलेटेड दो बहुत महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाला हूँ। अगर इन टिप्स को आप फॉलो करके अपनी पतंग के कन्ने बांधेंगे और पतंग उड़ाएंगे तो पतंग बहुत ही अच्छी उड़ेगी, कभी डिप भी नहीं करेगी, आपकी पतंग नीचे भी नहीं गिरेगी और अच्छे से घूमेगी भी। क्योंकि पतंग का ना घूमना और उसको उड़ाने के बाद उसका डिप करके नीचे गिर जाना, कुछ लोग ये प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं। तो चलिए, ये मैंने नई नवेली पतंग ली हुई है, सबसे पहले मैं इसके कन्ने बांधता हूँ, आपको बताता हूँ दो महत्वपूर्ण टिप्स की डिटेल। तो दोस्तों, हमारी पतंग के कन्ने बन चुके हैं बिल्कुल बेहतरीन। तो इसमें पहला पॉइंट जो नोटिस करने लायक है वो है ये कि आप ये देखिए, जो आगे की डोर है, जो कन्ने का आगे का सिरा है वो हमने छोटा रखा है और पीछे का सिरा बड़ा रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे तो नॉर्मली लोग क्या गलती करते हैं, दोनों ओर से 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, दोनों ओर की जो डिस्टेंस है कन्नों की, ये जो डोर है वो सेम रखते हैं, इस वजह से पतंग घूमती नहीं है और अच्छे से उड़ती भी नहीं है। जबकि आप इसमें देखिए, आगे की डोर छोटी रखी है और पीछे की थोड़ी बड़ी रखी है, इससे क्या होगा, पतंग अच्छे से उड़ेगी भी और घूमेगी भी, दोनों साइड से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इस वीडियो में। सेकंड चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पतंग की काट, ये जो हमारी पीछे वाली डंडी है, इसको आपको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेना है। हमेशा पतंग उड़ाने से पहले इस डंडी को थोड़ा फोल्ड कर लें, जिससे थोड़ी सी ऐसे बैंड हो जाए। अगर ये बैंड होगी और उसके बाद आप पतंग उड़ाएंगे, पतंग अच्छी घूमेगी भी और साथ ही साथ खींच और पटक में भी अच्छी रहेगी, क्योंकि पतंग की खींच और पटक के लिए उसका घूमना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये है हमारी दो आज की महत्वपूर्ण टिप्स। अब मैं आपको एक बार इस पतंग को उड़ा के दिखाता हूँ कि ये उड़ कैसे रहे, जिससे आपको और भी अंदाजा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं हमारी पतंग बढ़ गई है और क्या बढ़िया उड़ रही है, ये देखिए क्या बढ़िया नाच रही है। अब देखिए, मैं खींच के दिखाता हूँ आपको, खींचने में भी बिल्कुल देखिए बढ़िया आ रही पतंग, और ये देखिए पटक में भी क्या अच्छी उड़ रही है, ये देखिए क्या अच्छे से नाच रही है, और ये देखिए खींच इसकी, और उसके साथ ये आप साइड में भी खींच सकते हैं, और पटकने में भी मेरी पतंग बिल्कुल बढ़िया है। ऐसे मैंने आपको पहले दिखाया, एक बार फिर दिखाया, बिल्कुल भी देखिए पतंग डिप भी नहीं खा रही है, ये क्या बिल्कुल स्मूथ मक्खन की जैसी हवा में उड़ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, चाहूँ तो मैं इसको घुमाऊँ और चाहूँ मैं इसको पटकूँ या खींचूँ। और दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, ये टिप्स आपके बहुत ही काम आएंगी और टिप्स का यूज़ करके आप अपनी पतंग को बहुत ही प्यार से उड़ा पाएंगे, पटक पाएंगे, खींच पाएंगे, नचा पाएंगे। हैप्पी संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी पोंगल आप सभी को, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।